Hey friends, welcome back to my channel and today we are going to study doctrine of caveat emptor. इसका मतलब होता है कि let the buyer be aware. मतलब यहाँ पर buyer खुद responsible है कि वो किस तरीके के goods को purchase करता है, उसके qualities क्या है, वो उसके criteria को match करता है या नहीं जो वो खरीदना चाह रहा है. Caveat emptor integral part है sale of goods का. ये buyer की duty है कि वो जो products खरीद रहा है वो check करके खरीदे कि वो किस तरीके के products खरीद रहा है या अगर जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो यूजफुल है या नहीं है. अगर प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव निकल गया तो इसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. कुछ एक्सेप्शंस हैं वो देखते हैं. पहला एक्सेप्शन है फिटनेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर द बायर्स पर्पस. मतलब जब बायर इन्फॉर्म करता है सेलर को कि उसको किस तरीके के प्रोडक्ट्स चाहिए या गुड्स चाहिए तो ये सेलर की ड्यूटी बनती है कि उसको वैसी प्रोडक्ट प्रोवाइड करे. सेकेंड है गुड्स सोल्ड बाई डिस्क्रिप्शन. इस केस में सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि वो हमें वो गुड प्रोवाइड नहीं कर रहा है जैसा वो डिस्क्राइब किया है. थर्ड है गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी. जो अगर पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट है पर्टिकुलर गुड्स के लिए, अगर वो गुड केपेबल नहीं है मार्केट स्टैंडर्ड के लिए तो सेलर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहेगा. नेक्स्ट है सेल बाई सैम्पल. मतलब जो गुड्स हैं वो सैम्पल को रिजेंबल नहीं करता है तो बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा. मतलब दोस्तों कि आप चूज़ करते हो कुछ और आपको मिलता है कुछ और, ये हो गया सेल बाई सैम्पल. नेक्स्ट है सेल बाई डिस्क्रिप्शन और सैम्पल. गलत डिस्क्रिप्शन दे देता है या सैम्पल कुछ और दिखाएगा, देगा कुछ और, तो ये सारी कुछ एक्सेप्शंस हैं. या अगर फ्रॉड कर रहा है सेलर या मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कुछ हमारे एक्सेप्शंस. दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.